आपका अपना YouTube चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको IT इंजीनियरिंग ड्राइंग NCVT रीपीर का कंप्लीट पेपर आज एक ड्राइंग शीट के ऊपर बताने वाला हूं। इस तरीके से ड्राइंग शीट के ऊपर ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्जाम आपको करना होता है। दूसरा, प्रिय विद्यार्थियों, IT NCVT इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पेपर है उनमें से काफी क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पेपर मैंने लिया हुआ है, पेपर थर्ड, ये देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग सेमेस्टर सेकेंड कॉमन फॉर ऑल टू ईयर ट्रेड के लिए। और ये जो पेपर है ये रीपीयर सेमेस्टर सिस्टम का पेपर है, क्योंकि IT NCVT इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पेपर हैं वो आपके क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो आने वाली NCVT परीक्षा के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 घंटे का, और यहाँ पे जो अंक जो दिए गए टोटल वो है 75 यानी 75 नंबर। अब एनुअल सिस्टम में है क्या हो गया कि 3 घंटे का यहाँ पे समय हो गया है, और जो अंक है ये भी घटकर यहाँ पे हो गए हैं 50, क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गोथिक स्टाइल के अंदर, ठीक है ना, गोथिक स्टाइल के अंदर 7:5 में और हाइट 56 mm, ठीक है ना। तो ये नाम लिखना है, डू गुड हैव गुड, कितने रेशियो क्या होना चाहिए ये वाला, और ये इसकी हाइट, ये भी आप हम क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये आपको फ्री हैंड 3 टूल बनाने, ठीक है, जिसमें एडजस्टेबल रेंच, डबल हैंडेड ओपन स्पैनर और वर्नियर डेप्थ गेज। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 नंबर का है। अब ये 40 की जगह कितने का आता है, ये 20 का आता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक आइसोमेट्रिक दिया हुआ है थर्ड एंगल में, और इसका हम बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक। तो देखते हैं कि ड्राइंग जो शीट है वो आपके एग्जाम में कैसी होती है। तो देखिए ये जो ड्राइंग शीट है ये एग्जाम में इस तरह से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो ड्राइंग शीट है तो देख सकते हो, इस ड्राइंग शीट के 10 mm की छोड़ के चारों तरफ एक बाउंड्री पहले आपको लगानी होती है, जो कि मैंने रेडी की हुई है। और जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या था, कुछ आपको अक्षर लिखने थे, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे डू गुड हैव गुड, तो उसके अनुसार एक ग्राफ बनाना है। ये ग्राफ का मतलब क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करिए, कि एक तो 7:5, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 7:5 में, ठीक है, और हाइट कितनी दी हुई थी 56 mm। तो इसमें क्या काम करना है, 7 का मतलब क्या है, ये जो खाने जो हैं आपके 7 होने चाहिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे ये दिया हुआ है। 5 का मतलब क्या है कि एक अक्षर 5 खानों में लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डू, तो डी बनाना है। डी के लिए आपको क्या काम करना है, 1 2 3 4 5, तो देखिए इस तरीके से, और इस तरीके से आपको करना है, उसके बाद में ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, और स्केल से स्केल ले लेते हैं हम इसको, फिर ऐसे आपको बनाना है। तो काफ़ी इजी है, क्योंकि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से ये अक्षर आप बना सकते हो। उसके बाद में देखिए डी जो बनेगा आपका, ये आपका डी जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना होता है, क्योंकि जो भी गुलाई जो आती है वो आपकी यहाँ कॉर्नर से गोल होती है। उसके बाद में देखिए ओ लिखा हुआ है, तो एक का ना यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। ओ के लिए ऐसे आपको करना है, फिर 1 2 3 4 5, उसके बाद इसका कॉर्नर, क्योंकि जो आपका ओ या कोई भी अक्षर आपका बनता है उसकी जो ये वाली जो है ये बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको मिला दो, कोई मुश्किल नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, आसानी से आप बना सकते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता होती है। इसमें पूरा एंड तक ये पेपर आपको देखना है, भी कैसे कैसे मैं ड्रा कर रहा हूँ, कैसे आपको करना है, इस तरीके से आपको बनाना है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये हाइट की अगर हम बात करें तो ये जो यहाँ से जो हाइट जो ली हुई है वो कितनी ली हुई है, 56 mm की, ठीक है ना। तो आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, एडजस्टेबल स्पैनर यहाँ पे बनाते हैं, भी कैसे इसको बनाया जाता है। एडजस्टेबल स्पैनर के लिए आपको क्या काम करना है, एक पॉइंट के ऊपर आपको एक सर्कल बनाना है इस तरीके से,
ठीक है। उसके बाद में ऐसे आपको पूरा सर्कल बनाना है, ठीक है। उसके बाद में क्या काम करना है, ये जो सर्कल है इस पॉइंट से कुछ ही दूरी पे आपको ऐसे करना है और ऐसे करना है। ये जो पॉइंट है इसको ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको क्या काम करना है कि इसी को, ये जो सेंटर सा है आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये सेंटर हमने माना था। उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको क्या काम करना है, ऐसे और ये ऐसे, थोड़ा सा हल्का सा गोलाई कर देते हैं यहाँ पे, और ऐसे यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है आप, ठीक है ना, इसको कम ज़्यादा करने के लिए। और उसके बाद में देखिए ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं यहाँ से। उसके बाद में देखिए इसी की सीध में यहाँ पे क्या लगा होता है, ये जो वाला पॉइंट जो है यहाँ से इसी की सीध में ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे आपको करना है, थोड़ा सा और ले लेते हैं और इस साइड से भी आपको, और ये जो है आगे का पॉइंट इसको थोड़ा इरेज कर दो यहाँ से, और यहाँ पे आपको क्या काम करना है, तो ये आपका क्या है रेडी हो चुका है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये बनाना था, कोई मुश्किल नहीं है। एक आगे सर्कल लगाओ, फिर ये दो लाइन है इनको ऐसे मिला दो और ये बन गया है। उसके बाद में देखिए डबल एंडेड स्पैनर हम बनाएंगे। डबल एंडेड स्पैनर के लिए आपको क्या काम करना है, एक हल्की सी लाइन अनुमानित दूरी पर आप ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद में एक पॉइंट जो है, एक ऐसे सर्कल आपको लगाना है हाथ से फ्री हैंड, और ठीक है, और यहां से कर देता हूँ ऐसे। उसके बाद में देखिए इसी से एक सेंटर लाइन लगाने के बाद में इस पॉइंट से ऐसे डॉटेड करते हुए एक सर्कल लगाना है डॉटेड लाइन से, ठीक है ना। अब आपको क्या काम करना है, इसी को बेस मानते हुए ऐसे और ऐसे और ऐसे और ये ऐसे करते हुए आपको तो ये देखिए आपका डबल एंडेड स्पैनर बन चुका है। इसमें भी आप थोड़ा सा अगर दिखाना चाहो तो इस तरीके से बन सकता है ये, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे 9 नंबर और यहाँ पे 8 नंबर। अब ये क्वेश्चन कितने नंबर पे था, देखिए क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर पे था, क्वेश्चन नंबर 2। और ये क्या है, ए ऐसे करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 2, और ये तीसरा क्या है, वर्नियर डेप्थ गेज जो कि हम यहाँ पे बनाएंगे। तो आपको क्या काम करना है, ऐसे एक पैरेलल लाइन खींचनी है, ऐसे इसी तरीके से कुछ ही दूरी पे एक पैरेलल लाइन और, ठीक है। इस पैरेलल लाइन्स के क्या काम करना है कि आपको ऐसे करना है, कुछ ही दूरी पे छोड़ के एक पैरेलल लाइन और आपको लगानी है। ये ऐसे मिल जाएगा, थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं होता, थोड़ा बहुत अप डाउन चल जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे और करनी है आपको, इसी के पैरेलल एक लाइन और करनी है आपको। अब ये जो लाइन है इसको ऐसे मिलाना है, इसको भी ऐसे मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में इसके लाइन के सेंटर में, इस लाइन के सेंटर में एक लाइन फ्री हैंड आगे बढ़ानी है, ठीक है। ये अंदर जाने के बाद में इसी के पैरेलल एक लाइन और, इसी के पैरेलल एक लाइन और, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। इसके ऊपर ग्रेजुएशन कर दो आप, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 इसी तरह ऐसे इस पर, तो ये आपका रेडी हो चुका है। ये क्वेश्चन कितने नंबर पे था, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सी भाग। तो देखिए ये हमने तीनों रेडी कर लिए हैं, तो इनके नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आपको नाम लिखना, चलो ऊपर की साइड लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और ये क्या है आपका, वर्नियर डेप्थ गेज, तो यहाँ पे लिख देते हैं वर्नियर और ये क्या था आपका, डबल एंडेड स्पैनर। ऐसे नाम लिखने भी जरूरी है। तो देखिए ये आपका रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या काम करेंगे, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये यहाँ पे ड्रा करना है। करना कैसे, आपको पहले ये देखना है अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद में एक ऐसा प्लस का निशान लगा के इस लाइनों के 10-10 mm दाएँ, 10 mm की एक लाइन इधर, 10 mm की लाइन इधर, और ये एक आपको एक ग्राफ रेडी करना है। उसके बाद इस फोकस करना है, देखिए इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस साइड से है, क्योंकि जिस साइड में लंबाई ज़्यादा होती है वो आपका क्या है, फ्रंट व्यू। इस साइड के अंदर क्या है, ये साइड व्यू। ऊपर का क्या है, टॉप व्यू। सबसे पहले देखिए इसकी जो लंबाई है वो 70 दी हुई है क्योंकि फ्रंट व्यू, और इसकी जो हाइट जो है वो कितनी है, 30 है। तो सबसे पहले आपको क्या काम, क्योंकि यहाँ बनेगा ये, ठीक है ना, तो यहाँ बनेगा, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ। तो सबसे पहले कितने की लाइन लगाएंगे, 70 mm की लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे करना है, 70 mm की मैं एक लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में ऐसे 30 की लगा लो, तीस एम एम की लाइन लगा देते हैं, और नीचे का कितने का है, पूरा का पूरा 70 की लाइन है। तो देखिए ये लाइन भी लग गई है और ये भी लग गई है, ठीक है ना। तो अब ये लाइन देखनी है कितने की है, ये कितने की है, यहाँ पे 10 mm की है। तो 10 mm इधर और ऊपर कर देते हैं लाइन,
ठीक है, ये लगे। अब ये कितनी है, 30 है, तो इधर इस साइड के अंदर 30 चलाएंगे हम, तो 10 20 30 30 आ गया। हाइट कितनी है, 10 है, तो ये हम लेंगे 10 mm। उसके बाद में कितनी है इधर, ये 20 है, तो इसको 20 ले लेते हैं, 10 20। अब ये कितनी है, ये 10 है, तो ये इसके ऊपर मिला दो। ये आपका फ्रंट व्यू रेडी हो चुका है। तो इसके साथ साथ डायमेंशन कर देते हैं काफ़ी जल्दी जल्दी, ऐसे और ये ऐसे, और ये है आपकी, ये है आपकी 70 mm। ऐसे आपको एरो करना है, 30 mm, ठीक है। उसके बाद में देखिए जस्ट इसके ऊपर क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा, और इधर क्या बनेगी, साइड व्यू बनेगी। तो हम साइड बनाएंगे ये वाली। तो देखिए पहली जो लाइन है वो कितने पे लगी हुई है, 30 पे लगी है, और हाइट कितनी है, 30। यानी 30x30 का एक हमें यहाँ पर बनाना है, तो यहाँ पर 30x30 का बना देते हैं, 10 और यहाँ से लेके ऐसे, और 10 से मैं मार्क कर लेता हूँ, 10 20 30, तीन के पास 30 हो जाएगा। फिर ऐसे भी आपका 30 mm, जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको आपको ड्रा करना है। अब क्या काम करना है कि इस साइड से देख रहे हैं, एक तो ये पट्टी दिखाई दे रही है, एक ये दिखाई दे रही है, और एक ये कितने पे है, ये 10 10 mm पे है। तो इसी के पैरेलल एक लाइन आ जाएगी, नापने तोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है ये। और इसी के पैरेलल ये आपका रेडी हो चुका है साइड व्यू। तीस है ये एरो का निशान, एरो का ये 10 10 और ये 10। देखिए साइड व्यू ये हमारा रेडी हो चुका है, और यहाँ पे लिखना है आपका फ्रंट, और यहाँ पे लिखना है साइड, और यहाँ पे बनाएंगे टॉप, यानी ऊपर का। ऊपर का देखिए एक एग्जैक्ट बनेगा, 70x30 का एक ब्लॉक बनेगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले हम 30 का निशान लगा लेते हैं यहाँ पे, 10 20 30, यहाँ तक हो जाएगा। अब ऊपर की तरफ डायमेंशन कर देते हैं, ये कितना था इसका यहाँ से यहाँ, तो देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 30 20 50 20 70, और ये 20, ठीक है, और ये 20, और ये कितना था 30। तो देखिए ये रेडी हो चुका है, और ये है आपका 30, और यहाँ पे लिख देते हैं टॉप। तो देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या काम करना है, एक सिंबल आपको यहाँ पे बनाना होता है, ठीक है ना। तो सिंबल के लिए थर्ड एंगल का सिंबल जो रहेगा आपका, कुछ दूरी पे आपको ऐसे
इसी के सेंटर में एक लाइन आपको फिर एक लाइन ऐसे ड्रा करनी है आपको, ठीक है। आपको यहाँ से खोल के एक सर्कल ऐसे आपको लगाना है, फिर एक सर्कल यहाँ पे बड़ा वाला आपको खोल के लगाना है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है ऑल डायमेंशन आर ई में, तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये कंप्लीट जो है पेपर हमने सॉल्व कर दिया है, देख सकते हो आप किस तरीके से किया है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन था आपका, पहला जो क्वेश्चन था आपका गोथिक स्टाइल के अंदर डू गुड हैव गुड लिखना था आपको, ठीक है ना। 20 नंबर का था तो कोई मुश्किल नहीं, आसानी से आप लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए फ्री एंड बनाने थे, तीन थे, एडजस्टेबल स्पैनर यहाँ पे बन चुका है, ऐसे आपको बनाना है। उसके बाद में डबल एंडेड स्पैनर भी हमने बना दिया है, उसके बाद में डेप्थ वर्नियर गेज भी यहाँ पे बना दिया है, और उसके बाद में ये भी हमने रेडी कर दिया है। फिर भी प्रिय विद्यार्थियों इससे संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो। फिर भी कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है, किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट है कोई टॉपिक पे, तो अवश्य कमेंट करना। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।